और हेडगेवार स्मृति नागपुर कार्यालय जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी द्वारा मंदिर की रेकी किए जाने के मामले की जांच राज्य के डीजी संजय पांडे ने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को सौंप दी। इस प्रकरण में सभी एजेंसियों की बड़ी विफलता सामने आई है। इस संदर्भ में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने अधिक जानकारी साझा की। 20 दिसंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने अवंतीपुरा पुलवामा निवासी रईस अहमद शेख असादुल्ला शेख को गिरफ्तार किया था। वो पिछले एक वर्ष से जैश के ऑपरेशनल कमांडर ओमर के संपर्क में था। नया चेहरा होने के कारण ओमर ने उसे संघ मुख्यालय और हेडगेवार भवन की रेकी करने का जिम्मा सौंपा। 13 जुलाई को वह कश्मीर से विमान द्वारा मुंबई और वहां से नागपुर आया। पीओके में बैठे ओमर के दिशा निर्देश पर उसने दोनों स्थानों की रेकी की और वापस लौट गया। वहां पूछताछ के बाद इसका खुलासा हुआ और नागपुर पुलिस को जानकारी दी गई। कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया और डीसीपी चिन्मय पंडित के नेतृत्व में एटीएस और सिटी पुलिस की संयुक्त टीम ने श्रीनगर जाकर रईस से पूछताछ भी की। जहां तक सुरक्षा का विषय है, ऑलरेडी जैसा मैंने पहले बताया था, वाइटल इंस्टॉलेशंस की सुरक्षा टाइट की गई है, पहले से भी टाइट थी और बीफ अप की गई थी, और वो बीफ्ड अप स्टेज में अभी भी सुरक्षा रखी गई है। अभी कुछ दिन हम इसको बीफ्ड अप स्टेज में ही रखने वाले हैं। जहाँ तक उसको लाने का विषय है आरोपी को, ये अभी तपास चल रहा है, तपास के योग्य समय में उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। क्या नागपुर पुलिस के साथ साथ अन्य एजेंसियां भी इस पे काम कर रही हैं? ज़रूर, ये इंटर स्टेट रैमिफिकेशंस की ये केस है, सर्टेनली इसमें कंसर्न स्टेट एजेंसीज और सेंट्रल एजेंसी सभी मिल के ही इस इन्वेस्टिगेशन को कर रहे हैं। जरूर जरूर, स्टेट महाराष्ट्र स्टेट एटीएस बहुत इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है टेरर एक्टिविटीज़ को प्रिवेंशन डिटेक्शन इन्वेस्टिगेशन के दृष्टि से, और डेफिनेटली वो इस पूरे प्रकरण में शामिल है। ये दोनों नो ड्रोन जोन ऑलरेडी पहले नोटिफिकेशन निकाली जा चुकी है, वो नोटिफिकेशन को और कुछ दिनों के लिए कायम किया गया है, और सिमिलरली जो नो फोटोग्राफी जोन के बारे में नोटिफिकेशन 6 जनवरी के आसपास निकाली गई थी, वो अभी ऑलरेडी इन्फोर्स में है। आर्मी इस्टेब्लिशमेंट्स के परिसर हो या एयरपोर्ट का परिसर हो, आरएसएस हेडक्वार्टर्स का एरिया हो, एयरफोर्स के कुछ प्रेमाइसेज हैं, उस प्रकार की जो भी हमारे रिकॉर्ड पे वाइटल इंस्टॉलेशन है, उन सब जगह के एरिया में नो फ्लाइंग जोन ड्रोन के लिए किया गया। अब जांच महाराष्ट्र एटीएस को सौंप दी गई है। जानकार इसे एजेंसियों की बड़ी विफलता बता रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो राज्य का स्टेट इंटेलिजेंस विभाग, नागपुर एटीएस सिटी पुलिस की विशेष शाखा और एटीसी सेल होने के बावजूद जैश की स्लीपर सेल में काम करने वाला व्यक्ति नागपुर आकर रेकी कर चला गया। किसी एजेंसी को कोई खबर नहीं थी। यदि जम्मू कश्मीर पुलिस की पूछताछ में यह खुलासा नहीं होता तो स्थानीय एजेंसियों को हवा तक नहीं लगती। शहर की एंटी टेररिस्ट सेल सिर्फ नाम की रह गई है। नागपुर एटीएस में अनुभव रखने वाले अधिकारी कर्मचारी नहीं है। स्टेट इंटेलिजेंस को तो सरकार कृषि उत्पादनों के भाव पता करने में लगा देती है। ऐसे में भविष्य में कोई बड़ी अनहोनी होने पर सांप चाने के बाद लाठी पीटने जैसी स्थिति हो जाएगी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।